बच्चे अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखो। इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट, देन प्रूव दैट ए इनवर्स बी इनवर्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ में आया, हटाओ, कोई बात नहीं है, जो बोल रहा है उसको लिखते चलो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो गिवन है उसको लिख लिया। ए बी आर द सिमेट्रिक सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक भी है तो पहला तो ये इन्फॉर्मेशन है, एंड सिमेट्रिक भी है और नॉन सिंगुलर भी है, तो ये नॉन सिंगुलर की तरफ से आ गया। सिमेट्रिक की तरफ से क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बी के बारे में भी बोला है नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ गया, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है, बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। एंड क्या बोल रहा है, ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट, ये सब तो प्रोवाइडेड ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये सब तो गिवन है। ए बोल रहा है कि क्या हमारे पास इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टेबल की तरफ से ये आ गया, सिमेट्रिक की तरफ से ये आ गया। बी भी बोल रहा है इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टेबल की तरफ से ये आ गया, सिमेट्रिक की तरफ से ये आ गया। फिर तीसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि ए और बी जो है कम्यूट कर रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया। फिर क्या बोल रहा है, ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी है गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए इनवर्स बी इनवर्स ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हमने ये दिखा दिया, अगर हमने ये दिखा दिया तो प्रूफ हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूफ डैट ए इनवर्स बी इनवर्स इज अ सिमेट्रिक इज सिमेट्रिक, तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए इनवर्स बी इनवर्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूफ करने के लिए बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या लग जाएगा इसमें, रिवर्सल लॉ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अभी मैंने क्या बताया कि इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मीन्स क्या होगा, ट्रांसपोज को अंदर कर दो इनवर्स को बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज का इनवर्स, ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी, तो बी इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए, तो ए इनवर्स। फिर इसमें रिवर्सल लॉ लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी ए ए बी, सॉरी ए बी का इनवर्स, रिवर्सल लॉ लग जाएगा ना, यहां से यहां तक ये बता रखा है मैंने। अब ए बी किसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, ए बी किसके इक्वल दे रखा है, बी ए के इक्वल दे रखा है, तो ए बी की जगह बी ए डाल दिया, इसका ट्रांसपोज, सॉरी इनवर्स, ये गिवन है ना ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब फिर इसमें रिवर्सल लॉ लगा दिया, तो ये हो गया ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो गया ए इनवर्स बी इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, ए इनवर्स बी इनवर्स, बस प्रूफ हो गया, ये हमने दिखा दिया ना, दिस इम्प्लाइज डैट ए इनवर्स बी इनवर्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्लियर हो गया बात, ये सब ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हो गया हमारा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन में। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है कि लेट एफ एक्स एक मैट्रिक्स दे रखा है, जी वाई एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन प्रूव डैट दिस दिस दिस। ये देखने में थोड़ा डरावना क्वेश्चन लग रहा है, बट ये इतना टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। एफ एक्स एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, x में एक मैट्रिक्स है, मतलब एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, मतलब फंक्शन क्या है, x की जगह 1 डालोगे या पाई डालोगे या पाई बाई 2 डालोगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर पाई बाई 4 डालोगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, जी वाई एक फंक्शन दे रखा है y में, तो क्या बोल रहा है कि एफ एक्स का इनवर्स जो होगा वो एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने के लिए यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे, तो जहाँ जहाँ तुम्हें एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस एक्स डाल दो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। जी ऑफ माइनस वाई कैसे निकालोगे, यहाँ माइनस वाई डालोगे तो इसमें तुमको जहाँ जहाँ वाई दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस डाल दो, तो जी ऑफ माइनस वाई आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रूफ डैट एफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ एक्स का इनवर्स क्या होगा, एफ एक्स का इनवर्स होगा, अच्छा तुम इसको ऐसे देखो,
एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स को सीधे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एफ एक्स है, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। फिर तुम क्या करो, एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या प्रूफ हो जाएगा कि एफ एक्स का इनवर्स एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली वहां पे वाई में जी वाई में प्रूफ कर लेना, ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स किया, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तुम लोग बोलोगे कि बताया नहीं, देखो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो ये हमें आई थ्री थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ एक्स किया तो ये भी एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ एक्स किया, ये भी थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हमें क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू आई थ्री, ये मिल गया ना। इसको तुम ए मानो, इसको बी मानो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ए किसके इक्वल, एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ एक्स का इनवर्स बी किसके इक्वल है, एफ ऑफ माइनस एक्स के, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में। सिमिलरली वाई जी के लिए भी ऐसे कर लोगे प्रूफ। अब आ जाओ थर्ड में, थर्ड में क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इंटू जी वाई का इनवर्स किसके इक्वल है, जी ऑफ माइनस वाई इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो कोई बात नहीं है, इसमें तुम रिवर्सल लॉ लगा दो, अभी पढ़ाया ना हमने ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जी वाई इनवर्स इंटू एफ एक्स इनवर्स, जी वाई का इनवर्स किसके इक्वल है, जी ऑफ माइनस वाई के इक्वल है, एफ एक्स का इनवर्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7।